गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडिया फीलिंग एंड स्ट्री वितराज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो है रेलवे और एसएससी से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, बिना देरी किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। अभी जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नमक को अगर जो हम बर्फ में मिला देते हैं तो हिमांक का मान जो है घट जाता है। दोस्तों, हिमांक के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर जो आप पिछला वीडियो नहीं दिए हैं तो उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आई बटन प्रेस होगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हिमांक का मतलब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हिमांक होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं, सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिए, हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी वह टेम्प पॉइंट होता है जिस पर बर्फ़ पिघल जाता है। तो यानी जो है जब बर्फ़ में नमक मिला दिया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से और कम टेम्परेचर पे हो जाता है। यानी ऑब्वियसली पानी जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पे जमने लगता है, लेकिन जब बर्फ़ नमक मिला देंगे बर्फ़ में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसा होता है। और हालाँकि एक बात और है इंपॉर्टेंट चीज़, नमक जो है पानी के साथ मिला दिया जाता है तो पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है, यानी क्वथनांक बिंदु बन जाता है। अर्थात पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो है जब नमक मिला देंगे उसमें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 150 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, 110 पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं आप फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो भी दिक्कत होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा और नॉलेजेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकता है, यानी ध्वनि जो है किस माध्यम के थ्रू चल नहीं सकता है। इंग्लिश में बोलते हैं साउंड कैन नॉट पास थ्रू। तो ध्वनि जो है दोस्तों वैक्यूम में नहीं चल सकता, यानी ध्वनि हवा, पानी और ठोस में चलता है, यानी ठोस, द्रव एंड गैस में चल सकता है, लेकिन जहाँ पर निर्वात है, जहाँ पर हवा, पानी, गैस नहीं है, वहाँ पर ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भी शब्द बोलेगा हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, अगर जो हम निर्वात में रहेंगे दोस्तों। और एक एडिशनल और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है स्टील में, यानी इस्पात में, उससे कम होती है द्रव में होती है दोस्तों, समथिंग 1440 मीटर पर सेकेंड होती है, और स्टील में 6000 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की चाल, और हवा में जो है 340, कहीं कहीं लिखा होता है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, ध्वनि जो होता है एक अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और मैकेनिकल तरंग होती हैं दोस्तों, जिनकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक, और यही हमें सुनाई पड़ती है, इनको श्रव्य तरंगें भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है। फिलामेंट दोस्तों उसको बोलते हैं जो पतली सी तार होती है बल्ब के अंदर, उसको ध्यान से देखे होंगे आप, उसी को फिलामेंट बोलते हैं। वो दोस्तों जो है टंगस्टन का बना होता है, हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। और टंगस्टन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों टंगस्टन का जो है गलनांक जो है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, इतने टेम्परेचर पर वो पिघल जाता है। इसका गलनांक बिंदु अधिक होने के कारण इसलिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, कोई दूसरी धातु प्रयोग करेंगे तो उसका गलनांक बिंदु कम होता है, जिससे बल्ब ख़राब हो जाएगा तुरंत। और गलनांक मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने बताया पिघलने से संबंधित है, यानी वह पॉइंट जो होता है, वह बिंदु जिस पे कोई पदार्थ पिघल जाता है उसी को गलनांक बोलते हैं, उसी को दोस्तों गलनांक बोलते हैं। तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक होने की वजह से ही जो है बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं दोस्तों, बल्ब के अंदर जो है निर्वात होती है उसमें कोई भी चीज़ मतलब हवा नहीं होती है, उसको जो है टंगस्टन को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन जैसी गैसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस उसमें भर दिया जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इन ए रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज, यानी एक फ्रिज में जो है शीतलक का क्या कार्य है या शीतलक कौन सा है, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है ताकि फ्रिज में रखा गया पदार्थ ठंडा हो। तो इसके लिए गैस का प्रयोग किया जाता है फ्रीऑन, इसका नाम सुने होंगे दोस्तों, CFC भी बोला जाता है इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC-19, टेट्राफ्लोरोएथेन, ये सब यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों फ्रिज में जो है शीतलक के लिए, यानी फ्रिज में रखा गया पदार्थ जिससे ठंड का वातावरण बना रहे, इसके लिए फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, बहुत सारे देशों में जो है इसके लिए विचार विमर्श चल रहा है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इन्वायरमेंट, इन सब से संबंधित है, जो इन्वायरमेंट से संबंधित, जिससे जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ये सब फ्रीऑन की वजह से ही हो रहा है दोस्तों, और सबसे हानिकारक है जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। प्रतिध्वनि दोस्तों आप तो बातों से ही समझ गए होंगे, यानी कोई शब्द हम बोलते हैं वह शब्द वापस ही हमको सुनाई पड़े तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं, इंग्लिश में इको बोलते हैं। और एक चीज़ बताएं दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है न्यूनतम दूरी कम से कम जो है 17 मीटर होनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉलेजेबल क्वेश्चन है। और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूं दोस्तों, जिस प्रकार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, उसी प्रकार से न्यूनतम टाइम यानी न्यूनतम समय भी पूछ ले तो 0.1 सेकेंड, यानी हम स्रोत से इतनी दूरी पर हैं कि उस जैसे कोई दीवार है और हम पीछे खड़े हैं, कल्पना कीजिए, तो उस दीवार और हमारे बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए कि हमारे ध्वनि को उस दीवार पर पहुंचने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का समय लग सके। इसी तरह से मैं हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राध्वनिक गति यानी इंग्लिश में इसको सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं, इन सब शब्दों को दोस्तों आप इंग्लिश में ही याद करें तो बेहतर रहेगा। तो इसका मापांकन किस इकाई में किया जाता है, यानी मापांकन की इकाई, इसको जिस इकाई में मेजरमेंट करते हैं वो इकाई कौन सी है। तो सुपरसोनिक स्पीड नाम से ही पता चल रहा है ये सब, जो दोस्तों वाइवैन की जो गति होती है यानी फाइटर प्लेन वाइवैन, इन सब की जो गति होती है इनका मापांकन जो होता है मैक संख्या में किया जाता है। हमारा ऑप्शन पहला सही रहेगा। और मैक संख्या का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। समझ गए दोस्तों, मैक संख्या बराबर होता है किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे उस माध्यम में ध्वनि की चाल को ही मैक संख्या कहते हैं। और इससे संबंधित, मैक संख्या से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ध्यान से। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल जो है सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक की संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो पिंड की चाल हाइपरसोनिक कहलाती है। समझ गए दोस्तों, यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल, पिंड की चाल हाइपरसोनिक कहलाती है, ठीक है। और आवृत्ति का जो है यूनिट हर्ट्ज से ये आप जानते हैं, नॉट जो दे रखा है, नॉट जो है चाल का मात्रक है जो एक समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। और रिएक्टर जो है, रिएक्टर से भूकंप की इंटेंसिटी यानी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों नंबर आप क्वेश्चन पे मत जाइएगा जो हमारे स्क्रीन पे शो होते हैं,
उसके साथ साथ मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, जो एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन में 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। और मेरे द्वारा कहे गए बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, ज़रूर नोट्स बनाइएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।